So very good morning guys, welcome to the Rishabh IAS Academy's YouTube channel. And well, as you can see in this Project Syndicate article guys, we have the article that's curbing merger mania. So as you know, ये article जो है वो थोड़ा सा capitalism को लेके है. Mergers जो होते हैं guys, आपने जैसे Indian banking industry में बहुत बार देखा होगा, हम बहुत mergers की बात करते हैं. जैसे अगर कोई लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जैसे हम बात करें, तो होता क्या है कि मान लीजिए दो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, अगर हम दो लॉस मेकिंग कंपनीज की बात करें तो उनको मर्जर कर दिया जाता है फॉर दैट कि चलो ये अब प्रॉफिट गार्नर करने लग सकते हैं. या फिर मान लीजिए एक प्रॉफिट मेकिंग है और एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो देन आप उनको मर्ज करते हो इन ऑर्डर टू क्रिएट, मतलब बैलेंस शीट्स को सुधारने के लिए. पर कई बार जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि नुकसान भी हो जाता है, समटाइम्स दिस इज़ नॉट द केस. तो ये वही बताना चाह रहे हैं कि ये जो मर्जर मानिया ये जो हो रहा है इन अमेरिका, तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है या हाउ वी कैन डू दैट. तो लेट्स सी व्हाट आर दे सेइंग. सो यूनाइटेड स्टेट्स इज इन द मिडस्ट ऑफ अ हिस्टोरिक वेव ऑफ कॉरपोरेट मर्जर्स दैट थ्रेटन्स टू स्टिफल इनोवेशन. US competition agencies would do well to remember the spirit of 1968 and put corporations on the path to investing in new products, processes and marketing techniques. So what they are saying is of the opinion ki corporate mergers jo hain wo bahut zyada ho rahe hain aur jinki wajah se hamara jo innovation hai wo stifle karta hai aur ye hona nahi chahiye. Americans ko ज़रूरत है कि वो 1968 की स्पिरिट को जो है वो रिकॉल करें और कॉरपोरेशंस को, जो हमारे जितने भी बड़े कॉरपोरेट्स हैं, उनको आगे रखें कि वो अपने नए प्रोडक्ट्स के अंदर या प्रोसेसेस के अंदर या मार्केटिंग टेक्निक्स के अंदर ज़्यादा समय लगाएं. क्योंकि अगर इंडिविजुअलिज्म ही कहीं ना कहीं ख़त्म होता है, या अगर मैं कहूँ कि द होल आस्पेक्ट ऑफ दिस अप्रोच अगर ये कहीं ना कहीं नीचे जाता है, तो वो एक सही चीज़ नहीं है. तो क्या बोल रहे हैं, In late February, the United States Federal Trade Commission dropped its attempt to block Meta's acquisition of the virtual reality company Within. तो क्या न्यूज़ है कि फेब के अंदर जो US Federal Trade Commission है, उनका जो सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट करता है अमेरिका, आपको पता होना चाहिए कि अगर एक प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है तो द केस इज कि अगर यहाँ पे हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट अलग है और इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अलग हैं, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं यूनियन और स्टेट्स के बारे में, तो वो लोग फेडरल बात करते हैं, मतलब जो उनका सेंटर है. दे डोंट टॉक इन दिस आस्पेक्ट कि हम मतलब यूनियन के अंदर लेके या फिर हमारे अदरवाइज, वो फेडरल बोलते हैं. तो उनका जो सेंट्रल लेवल पे ट्रेड कमीशन है, उन्होंने अपने इस अटैम्प्ट को जो है ड्रॉप कर दिया कि वो मेटा के एक्विजिशन जो वो करना चाहते हैं, एक वर्चुअल रियलिटी कंपनी विदिन का. द डिसीजन फॉलोड अ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन rejecting the FTC's claim that by depriving the market for virtual reality fitness apps of a potential entrant, the merger would be likely to reduce competition substantially. तो ये decision जो है वो लिया गया कि जब एक US Federal District Court के decision से ये बात आई कि उन्होंने FTC के claim को नकारा कि अगर आप market को या market में से जो virtual reality के fitness apps हैं, अगर उनमें कोई potential entrant को नहीं आने देंगे, तो जो merger है वो कोई competition को मतलब reduce करेगा, इस claim को उन्होंने खारिज करते हुए अपने इस decision को दिया. तो देखिए ज़रा, मतलब जो एक criteria है, जिस कदर मतलब उन्होंने बात की है, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि the whole basic issue है क्या और फिर हमें मतलब उसके बारे में करना क्या है. So, in a mixed outcome for the FTC, the court accepted Meta's argument that it would not have developed its own fitness app had it not acquired Within. But the court also upheld the viability of the theory of harm underlying the FTC suit. Kuch had tak matlab unhone us baat ko upheld bhi kiya. Kaise? Thus opening the door for the agency to base further future cases on the potential entrant doctrine. कि कल को फिर वो और भी सिनेरियोज जो हैं सामने लेके आ सकते हैं इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए, और हो सकता है कि उसमें कोई एज सच मतलब आप बोलिए कि स्ट्रेंथ नहीं है या कुछ भी ऐसा. सो इन अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन द कोर्ट असेसेस
whether a particular merger is likely to harm consumers or suppliers. So while such inquiries are fact intensive and quite narrow, they have broader implications for US policy. और इसकी वजह से सिर्फ यही नहीं कि मतलब उन पे impact करता है, definitely that's going to impact the whole world as well. क्योंकि अगर वो अपनी एक policy को लेके if उनकी जो ट्रेड पॉलिसी के अंदर अगर वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी सप्लाई साइड के इश्यूज हैं या कुछ भी और ऐसा है, तो वो डेफिनेटली आपका एक ग्लोबल डोमेन पे बात आ जाती है. सो बाय अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द इंक्वायरीज, द कोर्ट हैंडेड द FTC अ विक्ट्री एंड पोटेंशियली अशर्ड इन अ वेव ऑफ फ्यूचर एंटी ट्रस्ट लॉसूट्स अगेंस्ट एक्विजिशंस बाय डोमिनेंट फर्म्स. अब उन्होंने उस बात को तो चलो मान लिया, इंक्वायरीज की वैलिडिटी को उन्होंने अपहोल्ड किया और कोर्ट ने फेडरल ट्रेड कमीशन को उनके फेवर में जो है डिसीजन देते हुए बोला कि चलो ठीक है, अब आने वाले समय में भी जो एंटी ट्रस्ट लॉ सूट्स हैं आप वो लेके आ सकते हैं. अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्यों इन्होंने कहा कर्बिंग द मर्जर मानिया. मतलब अगर ये एंटी ट्रस्ट लॉ सूट्स के बारे में बात करते हैं तो नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों हो जाता है ये इन दिस केस, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंटी ट्रस्ट पॉलिसी इलस्ट्रेट्स द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रिक्ट मर्जर रिव्यू. फ्रॉम रफली 1945 टू 1980, यूनाइटेड स्टेट्स ऑल बट आउटलॉड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्विजिशंस बाय डोमिनेंट कॉरपोरेशंस, एंड एज इट टर्नड आउट द वर्चुअल बैन ऑन मर्जर्स मेड इट हार्डर फॉर कॉरपोरेशंस टू एक्वायर एग्जिस्टिंग एसेट्स एंड कैपेबिलिटीज फ्रॉम अदर फर्म्स, फोर्सिंग देम टू डिवोट रिसोर्सेज टू न्यू इन्वेस्टमेंट्स, रिसर्च एंड प्रोडक्ट डिवेलपमेंट. ये एक आउटकम निकल के आया था जब उन्होंने बिल्कुल एक, मैं कह सकता हूँ, मोन्यूमेंटल बैन जब इस बात पर लगा दिया दैट बड़े कॉरपोरेशन ऐसा नहीं करेंगे. By channeling business activity toward creating new productive capacity and employment rather than toward consolidation, antitrust agencies helped propel the entire US economy. You can see that's the line and that's the answer we are looking for. कि जब उन्होंने अपनी इस business activity को नए productive capacity और employment की तरफ लगाया, क्योंकि जब ज़रूरत ऐसी महसूस हुई तो obvious है कि जो antitrust agencies हैं ये बहुत ज़्यादा US economy को in the name of innovation and all ऊपर ले गए. Well, in 1959, near the peak of US antitrust enforcement, the economist Edith Penrose wrote an influential book, The Theory of the Growth of the Firm, which praised the long-term planning capabilities of large firms run by professional managers and rejected the neoclassical theory of optimally efficient firm size. तो उन्होंने बोला कि जितनी बड़ी firms होती हैं उनकी जो long-term planning capabilities हैं वो काफ़ी, खैर इस चीज़ में आपका साथ भी देती है. देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू पोर्ट्रे हेयर इज कि हमारी जो नियो क्लासिकल थ्योरी है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये बोला जाता था कि अगर फर्म्स को एफिशिएंट होना है सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको उनके साइजेस को कम करना पड़ेगा. बट इन दिस केस ऐसा नहीं है. व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग हेयर इज, अगर आप क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, जब हमारे पास खास करके अगर अमेरिका की बात करें तो इट वॉज स्मिथियन इकोनॉमी, और स्मिथियन इकोनॉमी के अंदर तो ये बहुत क्लासिक सा केस था कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिटरमिन करेंगे हमारे सो कॉल्ड एक फर्म के साइज़ को और उसके प्रॉफिट के साइज़ को, उसके मैन पावर के साइज़ को और उसके रिसोर्सेज को साइज़ को. ओवर द टाइम जब कैपिटलिज्म के कुछ फ्लॉज आपके सामने आने लगे, जैसे आप सोशलिज्म की बात कर सकते हैं, उस समय थोड़ी सी ये थ्योरीज आपकी रिवाइव होने लगी कि इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द फर्म, कि थोड़ा सा अगर आपका फर्म का जो साइज़ है अगर वो छोटा रहेगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे. पर इसलिए ये बताना चाह रहे हैं कि पेनरोज ने ये बात बल्कि बोली और नियो क्लासिकल थ्योरी को रिजेक्ट किया जो मतलब एफिशिएंट फर्म साइज़ की बात करते हैं. सो एस्च्यूइंग द सिंगल प्लांट सिंगल प्रोडक्ट कॉस्ट कर्व्स ऑफ नियो क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स, पेनरोज व्यूड कॉरपोरेशंस एज रिच सोशल ऑर्गेनाइजेशंस एंडोर्ड विद यूनिक ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज, and she was not worried about firms growing too big. Instead, she focused on how they grew. And as growth through new investment and new products benefited the whole economy, Penrose saw companies' expansion into new products and markets as an advantageous, healthy process. So you can see this is the answer that she's trying to give, कि जैसे-जैसे वो growth हुई या उनको नए investments करने पड़े, तो ऑब्वियस है कि उन्होंने कंपनीज के एक्सपेंशन को प्रोडक्टिव वे में देखा
और उन्हें लगा कि हाँ ये एक एडवांटेजियस और एक हेल्दी प्रोसेस को बना रहा है. सो पेनरोज कुड नॉट हैव नोन दैट द बेनिफिशियल कॉरपोरेट ग्रोथ शी ऑब्जर्व्ड वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स ऑफ द पोस्ट वॉर अमेरिकन इकोनॉमी which ruled out virtually any other use for corporate profits but reinvesting them. इसको बात को आप कह सकते हो कि हमारी जो एक चीज़ होती है, हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, वैसे कार्ल मार्क्स ने हमें ये बताई थी, और वो है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू. ये जो बताना चाह रहे हैं ये वो तो नहीं है, पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या चीज़ है. देखिए, हमारे पास चार फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन होते हैं. फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन में हमारे पास जैसे कैपिटल है, जैसे लैंड है, और जैसे एक एंटरप्रेन्योर चाहिए आपको जो करेगा, और आपके पास लेबर है. अब बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल जो आपने लिया है उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो लैंड के ऊपर आप जो है अपना सो कॉल्ड रेंट भी देते हो. एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होता है और लेबर के लिए वेजेस होती हैं. कार्ल मार्क्स ने ये बताया था कि कैपिटल के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट आप कम नहीं कर सकते, लैंड के ऊपर लगने वाला जो रेंट है वो कम नहीं हो सकता, एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट कम नहीं करेगा. तो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये जो बात इन्होंने लिखी है कि खास करके अमेरिका में पोस्ट वॉर ये हुआ कि आपके पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है, आपके पास जो एक ऐसा फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन है जिसके पैसे को आप चैनलाइज कर सकते हो, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो हमारी लेबर है ना, लेबर को दिए जाने वाली जो ये वेजेस हैं, इन वेजेस को कट डाउन करते हैं. और जब इन वेजेस को कट डाउन करते हैं तो उस एंटरप्रेन्योर के लिए ये जो अपने प्रॉफिट्स में एक एक्स्ट्रा वेज जो ऐड होती है, मतलब उसकी वेज को कम करके, यही वो उनकी सरप्लस वैल्यू है. और फिर इस वैल्यू को वो अपने सो कॉल्ड बिजनेस एक्सपेंशन में यूज़ करते हैं और अपने प्लांट को बड़ा बनाते हैं. यहाँ पे वो जो बात बता रहे हैं ये कुछ इसी तरीके की बात है कि पेनरोज जो है कुड नॉट हैव नॉन कि जो बेनिफिशियल कॉरपोरेट ग्रोथ उसने ऑब्जर्व की है वॉज अ प्रोडक्ट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स ऑफ द पोस्ट वॉर अमेरिकन इकॉनमी जिसमें वर्चुअली एनी अदर यूज फॉर कॉरपोरेट प्रॉफिट्स को ख़त्म कर दिया सिवाय री इन्वेस्टिंग के. सो विद मार्जिनल टैक्स रेट्स ऑन इनकम्स एट कन्फिस्केटरी लेवल्स, कॉरपोरेट बोर्ड्स हैड नो रीज़न टू हैंड आउट एक्सेसिव पे पैकेजेस. ऑब्वियसली बात है, कोई भी प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा वेजेस को हैंड ओवर क्यों करेगा, तो ऐसे में उन्होंने किया भी नहीं. सो वट दे डिड, शेयर बायबैक्स वर इफेक्टिवली इलीगल एंड ग्रोथ थ्रू वर्चुअल एंड हॉरिजॉन्टल एक्विजिशंस वॉज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर लार्ज फर्म्स. तो एक ही ऑप्शन बचता था ऐसे में, एंड वट दे डिड वॉज ग्रोथ. बट उन्होंने आगे लिखा है, ऑल दैट चेंज्ड इन द 1980s, वन मेजर चेंज वॉज द लीगलाइजेशन ऑफ शेयर बायबैक्स. क्योंकि तब तक तो वो इलीगल था, तो वो तो ये भी नहीं कर सकते थे कि अपने सो कॉल्ड पैसे को अपने ही इकोनॉमी में या अपने ही सो कॉल्ड स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए लगा दें. पर जब 80s में शेयर बायबैक्स को लीगल किया गया, सो मच ऑफ द रिसेंट डिस्कशन अबाउट कॉरपोरेट वेस्ट एंड वॉल स्ट्रीट्स लूटिंग ऑफ द US इंडस्ट्रियल बेस has rightly focused on the doctrine of shareholder primacy. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब companies ने अपनी growth को छोड़ के और अपने so-called size को छोड़ के जब ये सोचना शुरू कर दिया कि मतलब हमारे जो Wall Street doctrine है कि shareholder की primacy को ज़्यादा जब supreme माना गया, तो फिर ऐसे में उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया कि अपना जो पैसा है तो वो वहीं लगाना शुरू कर दिया और growth के ऊपर उन्होंने focus बंद कर दिया. अभी आप देखेंगे कि आपको ये बताएंगे. As William Lazonik has argued, the shareholder value revolution represented a shift away from the retain and reinvest corporate governance model of the high growth post-war era to the downsize and distribute model of a less prosperous neoliberal age. So this is the answer that they are trying to give. See, I can make you understand guys what they are trying to say. ये बोल रहे हैं कि जब post-war में आपका जो economic model था, आपका जो कॉरपोरेट गवर्नेंस मॉडल था, अगर वो रिटेन करने का था क्योंकि आप करना ही पड़ता था आपको, और उसके बाद में फिर आप उस पैसे को री इन्वेस्ट ही करते थे फॉर द सेक ऑफ ग्रोथ मॉडल्स, पर कहते आज न्यू लिबरल एज में आपने क्या कर दिया, आपका मॉडल बदल के डाउन साइज का हो गया, मतलब आप साइज को जो है छोटा करते जा रहे हैं, और उसके बाद यू आर ऑफ द ओपिनियन कि आप डिस्ट्रीब्यूट करें.
जिसकी वजह से बड़े कॉरपोरेट्स आपके बचे ही नहीं, और जब बड़े कॉरपोरेट्स नहीं बचे तो वो जो प्रॉफिट मार्जिन्स पहले प्रोड्यूस किया करते थे, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमीज एक्सपैंड हुआ करती थी, या बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन अप्रोच के तहत वो जो एक स्प्रिंकलर ग्रोथ आया करती थी, वह नहीं आ रही। और इसीलिए उन्होंने लिखा है कि हमारी जो हाई ग्रोथ पोस्ट वॉर एरा था, अब कहते वो तब्दील होके हमारे लेस प्रॉस्परस नियो लिबरल एज, जो हमारी 80s के बाद खास करके अमेरिका में इस चेंज के बाद आई है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस नहीं देखने को मिली। सो एज अ रिजल्ट ये भी हुआ कि कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स इंक्रीजिंगली यूज्ड शेयर बायबैक्स टू इनरिच देमसेल्व्स एंड अदर शेयर होल्डर्स एट द एक्सपेंस ऑफ देयर फर्म्स प्रोडक्टिव एंड इनोवेटिव कैपेसिटी। तो पहला बदलाव तो यही था, आप लिख सकते हैं फर्स्ट चेंज का, ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है लीगलाइजेशन, जो अपनों ने लीगलाइजेशन कर दिया शेयर बायबैक्स का, और शेयर होल्डर की प्रीमिसी ज़्यादा सुप्रीम हो गई रादर देन की ग्रोथ। अ सेकंड चेंज वाज द डिक्लाइन इन मर्जर इन्फोर्समेंट इनिशिएटेड बाय प्रेसिडेंट रोनल्ड रीगन्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। The neoliberal era has arguably been characterized as much by corporate empire building through acquisitions as by downsizing. So while the increase in mergers and acquisitions since the 1980s has enriched bankers, white shoe law firms and shareholders, it has failed to improve the US corporate sector's economic performance. Kyun? Kahin na kahin dekhiye, jab sirf profit maximization hi aapka goal reh gaya, to aise mein jab aapne koi bhi ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं की, ये दो बड़े चेंजेस, पहला तो लीगलाइजेशन ऑफ द शेयर बायबैक्स और दूसरा डिक्लाइन, क्योंकि 45 से लेके 80 में आपने देखा कि बिल्कुल वर्चुअल बैन था आपके मर्जर्स के ऊपर, फिर चाहे वो वर्टिकली हो या चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो, पर 80s तक आते आते जब ऐसा हुआ तो हमारा सो कॉल्ड डिक्लाइन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में देखने को मिला। सो बाय नाउ It has become abundantly clear that allowing executives to treat business organizations as bundles of tradable assets has not yielded the hoped for synergies and efficiency gains that were supposed to arise from relaxing merger rules. So a 2016 study of manufacturing mergers found that consolidation has led to higher markups but did not improve plant and firm productivity. And studies of other sectors have shown similar results as well. तो डेटा बता रहा है कि जो अगर आप करना भी चाह रहे थे मर्जर्स के बाद, काफ़ी सालों के बाद, तो वो उतना एक इफेक्टिव रिजल्ट सामने नहीं आया है। सो टुगेदर विद हाई मार्जिनल टैक्स रेट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन शेयर बायबैक्स, द स्ट्रिक्ट मर्जर पॉलिसी ऑफ द मिड 20th सेंचुरी, पुरानी बात अगर कहें, वो फर्म्स को फोर्स करती थी टू इनोवेट रादर देन एक्वायर, इनेबलिंग देम टू डिस्कवर न्यू कैपेबिलिटीज दे हैड नॉट रियलाइज्ड दे पोजेस्ड। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हेन बेथलहम स्टील वाज ब्लॉक्ड फ्रॉम एक्वायरिंग यंगस्टाउन शीट एंड ट्यूब इन 1958, इट रिलक्टेंटली डिड व्हाट इट हैड प्रीवियसली सेड वाज इम्पॉसिबल एंड बिल्ट अ न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील मिल इन इंडियाना, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। देखो कहीं ना कहीं पे जब आप पे, ये तो रूल है, जब कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट किया जाता है, जैसे उस समय में, जैसे अब आप बता रहे हो कि लीगलाइजेशन कर दिया आपने शेयर बायबैक्स का और डिक्लाइन कर दिया आपने एक्विजिशन के रूल्स को, तो ऐसे में क्या था कि ये रूल है, देखिए जब आप इनोवेट करते हो ना, तो इनोवेट करने की एक टेंडेंसी यही होती है कि पहले जब प्रॉब्लम इस कदर क्रिएट कर दी जाती है कि उसका कोई इजी वे आउट नहीं होता, कोई भी मतलब आसानी से जब उसका तरीका नहीं निकलता ना, तो एंटरप्रेन्योर या कैपिटलिज्म या इंडिविजुअलिज्म या लिबरलिज्म या साइंटिफिक टेम्परामेंट आप कह लीजिए, वो मजबूर करता है कि इस प्रॉब्लम का आंसर जो है कहीं ना कहीं वो होगा। एंड इन दैट केस फिर वो जब ज़्यादा अपनी एनर्जीज को इस तरफ लगाते हैं, तो डेफिनेटली इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि येस समथिंग कुड बी वर्कड आउट। आगे लिखा है थोड़ा सा कि बिफोर द 1980s US एंटी ट्रस्ट इन्फोर्समेंट डिस्करेज्ड एक्विजिशन एज अ कॉरपोरेट ग्रोथ स्ट्रेटजी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसेस 1968 मर्जर गाइडलाइंस स्टेटेड that where substantial economies of scale are potentially available to a firm, they can normally be realized through internal expansion. So to be sure, the 1968 guidelines were not perfect, while they effectively blocked horizontal and vertical mergers, but they generally ignored conglomerate mergers, a loophole that helped fuel the conglomeration wave of the 1960s and 1970s.
तो ठीक है, पूरी तरह से मतलब एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, पर फिर भी आज हम यही बोलना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट 1968 के हमारे मर्जर गाइडलाइंस को आपको दोबारा रिवाइज करना होगा इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव दी प्रॉस्पेरिटी एंड द ओवरऑल इकोनॉमी. बट द गाइडलाइंस डिड रिकोगनाइज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कॉरपोरेट एक्विजिशंस. सो US इज इन द मिडस्ट ऑफ अ न्यू हिस्टोरिक मर्जर वेव. The latest Hart-Scott-Rodino pre-merger notification report, which alerts the antitrust agencies to deals that could harm competition, shows that a record-breaking 3,520 transactions were reported to the Department of Justice and the Federal Trade Commission during the 2021 fiscal year, more than twice the number reported in the previous year. So as both agencies are currently rewriting their merger guidelines, they would do well to look to the 1968 framework for inspiration. So combined with securities law and corporate governance reforms, a robust anti-merger policy could foster inclusive, broadly shared growth and prosperity. Na ki wo jo baat kar rahe the neoliberal model ke andar distributed or narrow. So by forcing corporations to innovate rather than consolidate, the US has an opportunity to put the corporate sector back on the path to Penrosian growth to the benefit of all Americans. So that's how the economical article is put, guys. As a very brilliant article we have, ki kaise curbing aap kar sakte ho merger mania ke liye. Aur jaise maine kaha ki this is not the case only of the America, kyunki agar corporate policies mein unki tabdili aati hai, agar wo mergers ko allow karte hain, iska matlab unke jo chote corporates hain unki jo strength hai wo badh nahi payegi. और ऐसे में फिर पूरे दुनिया के अंदर ही एक प्रोटेक्शनिज्म का सेंटिमेंट आता है, जो कि उनका सेंट्रल बैंक कई बार अपने रेट्स हाइक करके करता भी है, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया फील करती है. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके इस इकोनॉमिक मॉडल से हाउ द वर्ल्ड कुड बी अफेक्टेड. तो मर्जर मानिया को कर्ब किया जा सकता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि 1968 की जो हमारी गाइडलाइंस हैं, अगर आप उनको एक बेंचमार्क बना के अपनी पॉलिसीज़ की एवोल्यूशन करते हो, सो दैट कुड बी a good thing, at least for now, for America. बाकी है क्या पूरी चीज़, आपने देखा कि जब नहीं थे legalization of the share buybacks, नहीं था और decline था आपके उस law के अंदर, या पूरी तरह से ban लगा हुआ था, तो companies मजबूर हो जाती थी innovate करने के लिए, जैसे कि capitalism करता है. पर अगर वो innovate नहीं करना चाहते और किसी छोटे company के behalf पे सिर्फ आपका एक merger करके ही वो काम चलाना चाहते हैं, so that's what we are saying, कि it hurts the whole economic sentiment of capitalism, and especially in America where the corporate policies are equally influencing the world as well. So that's the article we have, guys, and I hope you have liked it. So as usual, guys, agar aap naye hain channel ke upar and you are liking the content, so do subscribe the channel, guys. It would be a great push to us, and well, hopefully we'll give you some more videos of such kind. And so till then, thank you so much for watching, guys. Take care and do like the video as well. You can share the video, you can also write your comments, whatever that you feel, and I really like that when you do it, and anything that you feel you appreciate that, or you just want to say something, so of course you can do that, but do consider subscribing, guys. Thank you so much for watching. Take care.